जी जनाब, तो वी आर बैक विद आवर नेक्स्ट वीडियो और आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं किसका, सेल्फी का। आज हम क्या कहते हैं, मोस्ट रेटेड मूवी जो सेल्फी आ रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आई थिंक कॉमेडी मूवी अब उसकी अक्षय कुमार की आ रही हैं। अभी पहले कोई बायोपिक आ गई थी या जो भी कह लें उसको, फिक्शन बायोपिक जो भी थी पृथ्वीराज की, उसके पहले क्या कहते हैं बच्चन पांडे और फिर रक्षाबंधन। रक्षाबंधन जो थी कहते हैं कि एवरेज मूवी थी, अच्छी एक नाइस डिसेंट वॉच थी। बहरहाल बाकी मूवीज़ में इनका बड़ा कहते हैं कि बैकलैश मिला था इन्हें, लेकिन जो वो थे सम्राट पृथ्वीराज उस पर इनका बहुत हुआ था, उसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा ना हेट किया गया था, मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया गया था इसी वजह से। ऐसी ऐसी तो क्या कहते हैं, बहरहाल वो इसलिए भी हुआ था क्योंकि ना अब वो कहते हैं कि बात ये कह रहे थे कि 40 दिन जो है ना, कि वो 40 दिन के अंदर जो शूटिंग वो कहते हैं वो रैप अप अपनी कर लेते हैं, तो वो कहते हैं कि अपने करेक्टर में पूरा उसको टाइम नहीं देते। एक होती है जो मैथड एक्टिंग होती है, और दूसरा खासकर जो आप किसी बड़ी पर्सनालिटी को ना, किसी बिग पर्सनालिटी को जो आप रोल ऐसे प्ले कर रहे हैं जो लार्जर देन लाइफ होती है, तो उसके लिए कहते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि ज़रा करेक्टर की प्रिपरेशन करनी चाहिए, अक्सर एक्टर्स करते भी हैं। हाँ, तो पब्लिक की वो डिमांड होती है, क्योंकि अक्सर जो है ना 4 महीने ऐसे 6 महीने में इतना टाइम लगा के बनती हैं, जैसे हॉलीवुड की मूवीज़ हैं कितने कितने टाइम ले लेती हैं वो। ऐसी ऐसी है, तो इस वजह से भी अक्सर ऑडियंस वगैरह जो है उनके फैंस वगैरह इसी वजह से कह रहे थे कि शायद इसी वजह से उनका ना जो रिजल्ट है जो मूवीज़ वगैरह इसलिए अच्छी नहीं बन रही, शायद कंटेंट इसलिए अच्छा नहीं है, लेकिन होता है कभी कभी। देखो ना, नया ज़माना है, तो जो पब्लिक हर ज़माने की पब्लिक की जो डिमांड होती है कंटेंट की, उसकी डिफरेंट होती है हर चीज़ की। तो अब वो लोग आजकल की जो क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ कि ऑडियंस है वो ये मांग, वो ये चाहती है कि भाई जो हमें हम करेक्टर जो देखे डिफरेंट सुपर स्टार देखे ना, हमने बहुत दफ़ा रिपीटेड है, तो वो चाहते हैं मैंने हर वक्त अब अलग अवतार में देखे हैं, वो सुपर स्टार से क्योंकि अब ये बन गया कि अक्षय कुमार बार बार रिपीट करते हैं, तो अक्षय जैसे अक्षय कुमार ही वो प्ले कर रहे होते हैं। अब ये सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है, हॉलीवुड में भी है, हम डिवेन जॉनसन को भी हम देखें तो उसमें भी वो कहते हैं कि हर मूवी में वो अपने खुद को ही प्ले कर रहे हैं अपने, तो वो रोल में नहीं घुसते, वो सेम चीज़ें सेम अपनी वगैरह क्या कहते हैं प्ले कर रहे होते हैं। और ये आजकल सलमान खान हो गया, शाहरुख खान हो गया, तो सब आजकल आवाम जो होती है क्रिटिक्स भी होते हैं, उनका भी यही कहना होता है, उनका यही उस पर क्या कहते हैं क्रिटिसिज्म होता है कि वो खुद को ही प्ले कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि आवाम भी कहती है, ऑडियंस भी ये कहती है कि वो अपने जो होते हैं किसी रोल में उनको ढलना चाहिए, घुसना चाहिए, थोड़ा सा उसको टाइम देना चाहिए। जैसे बाकी हैं, जैसे कबीर सिंह मूवी बनाई है उन्होंने शाहिद कपूर ने, अब उनकी फर्जी आने वाली वेब सीरीज, मतलब वो भी अपने आप को चेंज कर रहे हैं। हाँ, उनकी जैसे इमेज थी काफ़ी ज़्यादा रीइन्वेंट, ये रीइन्वेंट का दौर है। हाँ, जैसे हम जरा मार्वल की साइड पे जाएं तो थोर को देखें, तो उन्होंने क्या कहते हैं रैग्नारोक में जो उसकी थी वो बिल्कुल रीइन्वेंट कर दिया था, और आजकल हर कोई कर रहा है, शाहिद कपूर ने किया, हम उनको पुरानी मूवीज़ में देखें रीइन्वेंट किया उसने अपने आप को, बहरहाल हर कोई अपनी मूवीज़ में रीइन्वेंट करी जा रहा है। ऐसे ही हाँ, बहरहाल देखें काफ़ी टाइम गुजर गया है, छोड़ें आगे बढ़ते हैं बातों को, आई थिंक रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, किसी इतनी ज़्यादा बातें की जरूरत नहीं हमें, बाकी हम रिएक्शन के देखने के बाद ट्रेलर देखने के बाद डिस्कस करेंगे। बहरहाल इसका जो है जो कहते हैं ना वर्ड ऑफ माउथ है वो अच्छा आ रहा है इस ट्रेलर के बारे में ना, जो मैंने देखा पॉजिटिव रिएक्शन आ रहा है, तो ये होपफुली ये कुछ कर सकती है, चल सकती है उनका जो, देख के बताते हैं कि क्या सीन आगे, अब बिना किसी देरी के बहुत बार हो गया, विदाउट फर्दर ड्यू स्टार्ट करते हैं सेल्फी का ट्रेलर। विजय सर कोई नॉर्मल स्टार नहीं है, हम सबके दिलों के सुपरस्टार है वो। कल मेरा मुझे कहते हैं शेर। अच्छा, मुझे साल में 4 पिक्चरें करनी होती हैं, तो ओटीटी की भी और 28 एड्स भी हैं सर, 17 शोज और एक रियलिटी शो भी करना है। इनके लाखों करोड़ों फैंस की तरह मेरे और मेरे बेटे का भी सपना है अपने सुपरस्टार के साथ सेल्फी लेने का। अच्छा, क्या फालतूगिरी चल रही है? बेटी अगर विजय सर के डांस नंबर के बारे में कुछ कहा ना तो अपना डिवोर्स हो जाएगा। अंधभक्त है। कमाल। अच्छा,
अच्छा जी, फैंस से मैं बहुत प्यार करता हूँ, बस बुरा तब लगता है जब कुछ फैंस मेरे प्यार का फायदा उठाते। सबके सामने अपने यही चोर दिखाना चाहते थे ना तुम, कि तुम्हारे कहने पर एक फिल्म स्टार सुबह 7 बजे आगे आरटीओ। तुम्हें क्या लगता है तुम लाइसेंस नहीं दोगे तो क्या लाइसेंस नहीं मिलेगा मुझे? बेटे एक बात सीख लो, अपने बाप जैसा ना अपॉर्चुनिस्टिक कभी मत बनना। विजय सर की लड़ाई उनके सबसे बड़े फैंस है, अब तेरा हीरो जीतेगा मेरे हीरो से। जिस पब्लिक ने आसमान में चढ़ा है वही पब्लिक उस सितारे को जमीन में लेके आएगी। अगर उन्हें लाइसेंस चाहिए तो एक आम आदमी की तरह यहाँ आकर सारे टेस्ट देने पड़ेंगे। फैन था ये सर का, अब सेलिब्रिटी बना घूम रहा है। वॉल्यूम बढ़ाइए। फैन था ये सर का, अब सेलिब्रिटी। तो अग्रवाल साहब कैसा लग रहा है एक सुपरस्टार से टक्कर लेकर? ओहो, थोड़े से इंप्रूव किया ना यार। सीधे साधे आदमी सटकती है तो किस हद तक जा सकता है? आज शुरू से शुरुआत करते हैं। ट्वेंटी फोर फरवरी भाई साहब कमाल, ये लग रहा है कि कमबैक हो सकता है अक्षय कुमार का बॉक्स ऑफिस पे। और जैसे कि आपने ट्रेलर देखा है उसमें ऐसा लग रहा है जैसे फैन और जो सेलिब्रिटी है दोनों के दरमियान की ऐसे फाइट है। फैन जो थी ना शाहरुख खान की, उससे ज़रा मिलती जुलती थोड़ी सी मतलब के सीन लग रहा है, लेकिन वो डिफरेंट सीन था। उससे भी ये सीन था ना कि पहले वो कहते हैं कि बिल्कुल ही एक डिवोटेड फैन होता है उसका, शाहरुख खान का, आर्यन खान जो भी नाम था उस मूवी में उसका, लेकिन वो जब इंट्रैक्शन होता आपस में उसके बाद से वो फिर उसके क्या कहते हैं खिलाफ हो जाता है। उन वही जो मोहब्बत नफरत होती है, वो मोहब्बत होती है नफरत बदल जाती है फैन का जब होता है, वो भी थोड़ा सा एंगल लग रहा है। और थोड़ी सी मुझे ज़रा वो ओ माय गॉड की मूवी की फील आ रही है कि वो एक कहते ना कि जैसे उसमें वो भगवान के खिलाफ वो जो चले गए थे उसमें, या जो कह लें कि जो उनके पंडित वगैरह थे या जो भी सीन था उनके खिलाफ चले गए थे, इसमें वो स्टार के खिलाफ चले गए हैं। तो उसमें भी अंधे अंधभक्त जो भक्त थे वो पीछे पड़ गए थे, इसमें भी जो क्या कहते हैं कि जो फैंस होते हैं वो भी इसके कहते हैं साथ आ रहे हैं, उनको भुगतना पड़ रहा है उसके जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं। बहरहाल जो मुझे लग रही है कि एक प्रॉमिसिंग मूवी लग रही है। और मैं आपको पता चलूँ कि ये जो है ना मूवी, ये क्या कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस थी तमिल या तेलुगु जो भी साउथ इंडियन की मूवी थी ड्राइविंग लाइसेंस, उसका रीमेक है ये ऑफिशियल। फिर भी उम्मीद करते हैं कि ये लेकिन बहुत ज़बरदस्त लग रही है मुझे जो है ना, मैंने ओरिजिनल नहीं देखी हुई लेकिन ये बहुत मूवी अच्छी लग रही है मुझे। और मुझे लग रहा है इमरान हाशमी का खासकर करेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है इसमें, इसके अंदर ना इमरान हाशमी और अक्षय कुमार जो है, अक्षय कुमार का वाकई, और अक्षय कुमार से प्ले भी अपने आप को कर रहे हैं। वो डायलॉग जो खासकर उन्होंने बोला ना कि भाई मैं साल में इतनी मूवीज का 4 मूवीज करता हूँ, इतने 28 ऐड करता हूँ, वो तो ओरिजिनल चल रहा है। अच्छा मज़े की बात है कि मुझे लगता है कि रियल में भी ऐसा कुछ होता ना तो इसमें अक्षय कुमार ही अपने आप को प्ले कर रहे हैं। और वो आई थिंक फन को वॉच टू लगे मुझे जैसे था ना सीन, अब हम हर मूवी हम ये लोग कह रहे थे कि अब हर मूवी में अक्षय कुमार खुद को ही प्ले कर रहा था कैरेक्टर में, लेकिन इसमें उनको मौका मिला है कि वो रियल में ही अपने खुद को कर रहे हैं एज अ सुपरस्टार, रियल लाइफ है उसको कर रहे हैं प्ले, वो के कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी होने वाली है क्योंकि इसमें तो ओरिजिनल कैरेक्टर आना ही आना है। बहरहाल जो मूवी की प्रोडक्शन क्वालिटी है, जो स्टंट्स दिखाए हैं, जो शूटिंग, वो बहुत अच्छी लग रही है ना, कि क्या कहते हैं विजुअली भी बहुत क्या कहते हैं कंपीलिंग लग रही है मूवी ऐसे ही। हाँ विजुअल अपील भी इसकी अच्छी है। बहरहाल ये कहते हैं कि होपफुली बॉक्स ऑफिस पे भी उतना अच्छा ही क्या कहते हैं परफॉर्म कर पाएगी ऐसे ही है। बहुत अच्छी मूवी है क्योंकि अब ये देखा ना जो राज मेहता डायरेक्टर हैं इनके, इससे पहले इनकी जो लास्ट मूवीज थी वो क्या कहते हैं आई थिंक वो जुग जुग जियो भी आई थिंक राज मेहता की थी अब, और उससे गुड न्यूज़ जो थी वो उनकी हिट रही थी, गुड न्यूज़ अच्छी हिट रही थी उनकी मूवी ये वगैरह भी। तो दोबारा उनके साथ कमबैक हो रहा है तो मुझे तो बहरहाल बहुत पसंद आया ट्रेलर और मैं एक्साइटमेंट बढ़ गई है इसके लिए, और मैं क्या कहते हैं इंतज़ार करूंगा कि कब ये आए रिलीज़ हो और हम इसको देखें।
ऐसा ही है, तो आपको भी यकीनन इंतज़ार होगा इस के बारे में, तो आप कमेंट में अपनी राय बताइएगा, इजहार कीजिए कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा ऑफिशियल सेल्फी का। हमें तो बहुत अच्छा लगा। हाँ हमें तो, मुझे बिल्कुल वाकई कसम से के पसंद आया। मुझे हमने जो पिछली चार मूवीज देखी थी उसमें इतना कुछ खास नहीं था, इसमें कुछ नया देखने को मेरा, बेशक ये एक मैं एक दफ़ा करते हैं दोबारा से इसको रिवाज करते हैं दोबारा से ना एक दफ़ा रिवाज करते हैं कि ये कितना डिजर्व करता है एक थी वॉच। विजय सर कोई नॉर्मल स्टार नहीं, हम सबके दिलों के सुपरस्टार है वो। ये बहुत कुछ चल रहा है इसके अंदर ना, वो स्पीड से लगा सही तरह देख नहीं पाए सब चीज़ें। मुझे साल में चार पिक्चरें करनी होती है, दो OTT की भी और 28 एड्स भी हैं सर, 17 शोज। वो गन देखी थी, वो ज्यादा रियलिटी शो भी कर रहा हूँ। इनके लाखों करोड़ों फैंस की तरह मेरे और मेरे बेटे का हाथ से हेलीकॉप्टर रोक दिया मैंने देखा है। इमरान हाशमी भी एक न्यू लुक में लग रहे हैं ना। हाँ इमरान हाशमी सा एक्टर है यार, बहुत चल रही है। इंडिया विजय सर के डांस नंबर के बारे में चुका है ना तो अपना डिवोर्स हो जाएगा। हाँ जुग जुग जियो वही सेम डायरेक्टर है ना। गुड न्यूज़ का पूरा एक वो ओरा फील हो रहा है कि भाई सुपरस्टार वाकई एक है। अगर एक्टिंग के अलावा मेरा कोई दूसरा प्यार है तो वो है ड्राइविंग। रियली इरे होते हैं विजय सर के पास लाइसेंस नहीं, दो दिन में लाइसेंस पकड़वा दूंगा। प्लीज मैडम प्लीज एक सेल्फी दिलवा दीजिए प्लीज। ओरिजिनल फैन लग रहा है वरना हम तो कब के। अच्छा फैंस से मैं बहुत प्यार करता हूँ, बस बुरा तब लगता है जब कुछ फैंस मेरे प्यार का फायदा उठाते हैं। अपने यही चोर दिखाना चाहते थे ना तुम कि तुम्हारे कहने पर एक फिल्म स्टार सुबह 7 बजे आ गया RTO। तुम्हें क्या लगता है तुम लाइसेंस नहीं दोगे तो क्या लाइसेंस नहीं मिलेगा मुझे? बेटे एक बात सीख लो, अपने बाप जैसा ना अपॉर्चुनिस्टिक कभी मत बनना। गलत समझे उसे है ना, रो रहा था आंसू उसकी फीलिंग्स ऐसा थी। हां विजय सर की लड़ाई उनके सबसे बड़े फैंस है, अब तेरा हीरो जीतेगा मेरे हीरो से। वो गाना भी इसमें आया हुआ है, मैं अनाड़ी तो खिलाड़ी और तू या अनाड़ी तो खिलाड़ी। अगर उन्हें लाइसेंस चाहिए तो एक आम आदमी की तरह यहाँ आकर सारे टेस्ट देने पड़ेंगे। फैन था ये सर का, अब सेलिब्रिटी बना घूम रहा है। फैन था ये सर का, अब सेलिब्रिटी बना घूम रहा बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाला है जब ये आएगा। ओम प्रकाश अग्रवाल जी के हाथों। तो अग्रवाल साहब कैसा लग रहा है एक सुपरस्टार से टक्कर लेकर? इसमें लग रहा है ऐसे कि विलन बन गए अक्षय कुमार ने। हाँ ऐसे ही लग रहा है, स्टार्ट में हीरो वाली फीलिंग थी उसके बाद वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। ऐसे ही है लेकिन बहुत कुछ चल रहा है इसके अंदर। आज शुरू से शुरुआत करते हैं। सेल्फी अच्छा लुक है ये वाला भी, कमाल लुक जबरदस्त है। हाँ जी 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 मजा आ गया। और धर्मा की फिल्म है करण जौहर की भी, उनकी भी काफ़ी सारी जो मूवीज फ्लॉप की हैं पिछली जो ये कहते हैं आई थी पिछली जो उनकी मूवी आई थी क्या नाम है उसका नाम था उसका मूवी का वो जो विजय देवरकोंडा के साथ थी। हाँ वो हाँ जो बहरहाल जो भी थोड़ी सी पांडे उसमें अनन्या पांडे भी थी, नाम याद नहीं आ रहा जहन से निकल गया बहरहाल छोड़े। सो उनके लिए भी शायद ये क्योंकि वो अच्छी मूवी हो तो अच्छा इम्पैक्ट डाल। हाँ ये भी है, अच्छी बात है। और जैसे KGF देख लो, RRR देख लो, इनके जुबान पे नाम ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे नाम है लेकिन जो एवरेज मूवी होती है उनको गिने ही याद उनको याद देखा उसमें आए थिएटर में आए ऐसे डाउनलोड की देखा देखी डिलीट ऐसे ही है खत्म। लेकिन ये मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम बाद ना कि जो जैसे पुराने ज़माने के हम होते हैं ना कि बहुत कुछ चल रहा होता था, कॉमेडी होती थी, सिचुएशन कॉमेडी होती थी उसके अंदर, तो उस चीज़ को उन्होंने दोबारा अडेप्ट किया गया इसके अंदर ना, जो मेरे ख्याल से मेरे लिए जो एक प्लस पॉइंट है मूवी को देखने के लिए ना, जो मुझे क्या कहते हैं काफ़ी एक्साइट कर रही है एक तो ये बात इस मूवी को देखने के लिए। बहरहाल चलें देखते हैं आपको कैसे बताया पसंद आया ट्रेलर आप बताएं, जैसे कि पहले भी कहा था इस्माइल ने, और हमारे यूट्यूब चैनल को मिस्टर एक्शन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को दबाएं और
और वोट करें हमारी वीडियो को, वोट करें, ठीक है। हम भी ऐसी नई से नई वीडियोज़ बनाते रहेंगे, आपको पता भी लगता रहेगा, आती रहेंगी, और हमारे साथ बने रहें, प्लीज़ साथ दें, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अस्सलाम वालेकुम।